अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से हो गए और अपने अपने कामों में सब मसरूफ हो गए। यार तो सॉरी मुझसे कानों निकल गया था। तो यार जैसा कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत मसरूफ होंगे ये तो जानता ही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम यार बाबू भाई के व्लॉग्स देखने में भी निकाल लिया करो यार। बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आप लोगों के, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नीड है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। असल में सो के उठाऊ ना अभी तो बस मुंह से उल्टे सीधे अल्फाज जो निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं, अल्लाह खैर करे बस। बाकी तो क्या नाचो मैं? तो यार बहुत जरूरत है मुझे आप सबके सपोर्ट की। मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करना है अपना, मुझे अपने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, कुछ तरीका भीख मांग। और इसके अलावा बाकी अपनी तरफ से मैं पूरी एफर्ट्स कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। बाकी लाइक करें कमेंट करें यार मेरे सब मेरे वीडियोस को, और इसके अलावा जो मतलब आप मुझे राय देना चाहें फीडबैक देना चाहें यार वो लाजमी दिया करें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो एडिटिंग में और इसके अलावा वीडियो शूटिंग में भी काफ़ी लगती है। अकेला ही सिंगल कर रहा होता हूँ सारा कुछ तो मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये कि आप सबके लिए वो भी मैनेज कर रहा हूँ। तो यार प्लीज़ अगर देखते हो वीडियोज़ तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करो यार, अपना फीडबैक लाजमी दिया करो। ओके तो खैर ये सब बातें तो अपनी जगह। आज का व्लॉग, आज फ्राइडे है और हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। तो रावलपिंडी में आए हैं तो ये कि इस्लामाबाद का सफ़र थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से, तो आज जुम्मे का मुबारक दिन भी है तो सोचा आप सबको फैसल मस्जिद ले चलते हैं, वहाँ जाके जुम्मा की नमाज़ भी अदा करेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम मैनेज यहाँ से हो जाता, वरना यहाँ से नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फैसल मस्जिद की तरफ चलेंगे। तो साथ रहिएगा, फिर लेके आज आपको चलते हैं फैसल मस्जिद की तरफ इंशाल्लाह। तो यार फिलहाल जो है कुछ सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, हम अब जाएंगे नमाज जुम्मा के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो भाई बिलाखिर फिर अपने सफर के लिए निकल चुका हूँ मैं इस्लामाबाद के लिए, और अभी कुछ वॉकिंग डिस्टेंस के बाद मैं मेट्रो पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ मेट्रो रावलपिंडी मरीर स्टेशन पे, और यहाँ से अपने सफर को आगे कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह, अपडेट देता रहूँगा, साथ रहिएगा। तो यार सफ़र में जाने से पहले थोड़ा सोचा कि कुछ पानी वगैरह पीते जाएं, क्योंकि बस में तो अभी मिलना नहीं है, तो इमली आलू बखारे का शरबत यहाँ पी रहा हूँ मैं, ये मेरे पीछे भाई हैं, तो अब ये इंजॉय करते हैं इंशाल्लाह, फिर इसके बाद सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो भाई फाइनली 17 स्टेशन का सफ़र करने के बाद मैं पिम्स स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ, पिम्स स्टेशन इस्लामाबाद, और यहाँ से अब एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा लोकल पे ही, तो वहाँ पे चलते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू चलते हैं अब हम फैसल मस्जिद की तरफ, और वहाँ के आपको सीन्स दिखाते हैं, साथ रहिएगा। तो भाई फाइनली इस्लामाबाद से अब फैसल मस्जिद की तरफ निकल चुके हैं और बाइकियाँ करवाई है अब डायरेक्ट वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये मेरे पीछे का कुछ व्यू है, अब खुद मेरा फर्स्ट टाइम का विजिट है यहाँ पे, बाकी देखते हैं वहाँ पे चल के आपको सीन्स दिखाते हैं और रास्ता भी कुछ दिखाते हैं यार लाजमी। ये मेरे सामने आप देख सकते हो फैसल मस्जिद के मीनार नज़र आने लग गए हैं गुंबद, और बाकी बस पहुँच ही चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी खैर खैरियत से। तो फाइनली यार पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह फैसल मॉस्क, लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ का विजिट हो रहा है, तो अब चलते हैं देखते हैं, और इंशाल्लाह सीन्स फिर कुछ ऐसे हैं कि मगरिब की नमाज़ यहाँ से पढ़ के इंशाल्लाह फिर वापस अपने घर की तरफ निकलेंगे। माशाल्लाह यार इस खूबसूरत मौसम में मस्जिद का लुक, माशाल्लाह मस्जिद की खूबसूरती को चार चांद लग चुके हैं, एक चांद वैसे भी मीनार पर है लेकिन माशाल्लाह खूबसूरती से और भी ज़्यादा ये अच्छा लगता जा रहा है यार। फर्स्ट टाइम लाइफ में यहाँ का विजिट हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है यार, बहुत बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हो हर तरफ आवाम ही आवाम माशाल्लाह। आज क्योंकि फ्राइडे है तो नॉर्मली यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी की साइड पे छुट्टी होती है पब्लिक की, तो फिर जो है ये आवाम आज यहीं का विज़िट करने आई हुई है मेरे ख्याल से, तो यार माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आवाम है, या पता नहीं नॉर्मली भी यहाँ पर होती होगी या नहीं, लेकिन है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यार। तो यार चप्पल वगैरह हमने सबमिट करवा दी है वहाँ पे, ये कुछ यहाँ के सीन्स हैं दोनों तरफ से आने जाने का, यहाँ से अगर जाएंगे तो डायरेक्ट मस्जिद के पास पहुँच जाएंगे, तो लेकिन आपको घुमाना भी है तो पहले यहाँ से चल के व्यूज़ दिखाते हैं आपको फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह।
माशाल्लाह। माशाल्लाह यार, बहुत ज़बरदस्त सीन्स हैं ऊपर के भी यार। अंदाज़ा नहीं था कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत होगी यार मस्जिद के ठीक पीछे ये बुलंद वाला पहाड़। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा चांद लगा रहे हैं यार। और ये लैंप्स वगैरह का जो सीन चल रहा है फिर यहाँ पे वो तो अलग ही है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत यार, और मौसम भी आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दोपहर में थी जबकि गर्मी, लेकिन अब जो है गर्मी काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है। और व्यू तो माशाल्लाह यार बाकी देखने वाला है। तो भाई अंधेरा भी होने ही वाला है यहाँ पे यार। इससे पहले कि अंधेरा मुकम्मल हो जाए तो आपको इसके सीन्स दिखा देते हैं यहाँ के जल्द से जल्द, और फिर यहाँ से वापस चलने की तैयारी करते हैं आफ्टर नमाज इंशाल्लाह। ये यहाँ का फाउंटेन है भाई, लेकिन ये बंद हुआ हुआ है इस वक्त। और यहाँ पे माशाल्लाह बच्चों ने सही खेलना कूदना मचाया हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत सीन्स हैं यार यहाँ के, ये पहाड़ वगैरह और ये सारा कुछ। थोड़ा सा और वाइड एंगल करते हैं। ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त व्यू। और अब दिखाते हैं आपको आगे के सीन्स। ये हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं यहाँ के। तो यार मस्जिद के करीब भी आ चुके और नमाज़ भी हो ही रही है, तो पहले चलते हैं यार नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ये सीन्स तो आपको बाद में भी दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। नमाज़ कंटिन्यू कर लूँ उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़। तो वज़ू यहाँ पे हो चुका हमारा, ये पूरा वज़ू खाना है माशाल्लाह, कम्प्लीट एरिया ये वज़ू के लिए है। और ये पीछे जो रास्ता जा रहा है ये नमाज़ की जगह पे जाने के लिए, तो चलें यार चलते हैं। क्या नाम है आपका? अहसन। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत यार। माशाल्लाह यार बहुत खूबसूरत। ये यहाँ का फाउंटेन हुआ करता था लेकिन ये बंद हुआ हुआ है अभी, और यहाँ के काफ़ी सारे फाउंटेन्स यहाँ के बंद किए हुए यार। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फैसल मस्जिद में यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने नमाज़े मगरिब अदा की है। दिन आज जुम्मे का है, बाकी नमाज़े मगरिब यहाँ पे अदा करने का मौका मिला है। सोचा तो ये था कि जो है नमाज़े जुम्मा भी यहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं आ पाए थे, टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पाया, तो अब निकला था फिर मैं शाम के वक्त ही असर के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नमाज़ पढ़ना नसीब हुई। बाकी अब ये कुछ सीन्स हैं यहाँ के, मतलब अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, तो बस अब अंदर की लाइट्स में ही काम चल रहा है, बाकी बाहर तो बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पे अब कुछ दिखाने के लिए ज़्यादा सीन्स तो बचे नहीं, जो दिखा सकता था वो मैंने आपको दिखा दिया रोशनी रोशनी में। ये सब नमाजी जो नमाज़ पढ़ चुके और जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये कम्प्लीट जो सामने के एरिया ये उनकी जगह है पूरी। तो यार नमाज़ अदा हो चुकी है यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह, और ब्लॉग भी तकरीबन बन ही चुका है यार, जो वीडियोस बन सकती थी रोशनी रोशनी में वो सब बन गई। अंदर का भी व्यू आपको दिखाया, बाहर का भी कंप्लीट, और माशाल्लाह इर्द गिर्द का भी सब दिखाया। तो अब इसी के साथ साथ बाबू भाई को इजाज़त दें यार, अलविदा कहते हैं। अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो चुका है, फिर गाड़ी मिलेगी नहीं वापस जाने के लिए, और यहाँ इतने कोई जानने वाले रिलेटिव हैं नहीं कहीं जिनके घर पर रात स्पेंड हो सके, तो इसलिए बस फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और फिर इसी के साथ साथ इस ब्लॉग का यहीं इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड ब्लॉग में। तब तक के लिए बाबू भाई को दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट करते रहें यार, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को, बहुत मेहनत लगती है यार। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।